नमस्कार, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। दिस इज देवेंद्र प्रसाद टेकिंग ऑन सी लेक्चर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टाइम अबाउट द पॉइंटर्स। ओके, सो मुझे ऐसा फील हुआ कि कल जो हम लोगों ने पॉइंटर पे जो डिस्कशन किया था वो काफ़ी लॉन्ग सेशन भी था और मे बी प्रोग्रामिंग पार्ट वहाँ पे कम था। एंड मोस्ट कमेंट्स आई रिसीव्ड दैट प्रोग्रामिंग पार्ट ज़्यादा हो और तब जा करके हम लोग कंसेप्ट पे डिस्कस करें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर हम फिर से एक बार पॉइंटर्स के बारे में स्टडी करेंगे और बहुत क्रिस्प वे में पहले पॉइंटर को समझ लेंगे एंड देन सीधे प्रोग्रामिंग में आकर करके उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, सो दैट वी विल बी हैविंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंटर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंटर का डेफिनेशन है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। इट इज अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, हेंस दिस वे इट बिकम्स रेफरेंस ऑब्लिक लिंक टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। बहुत सिंपल है, जब भी हम किसी भी वेरिएबल का लिंक बनाते हैं, बहुत फॉर्मल सी भाषा में लिंक बना रहे हैं, तो हमने उसको टेक्निकली पॉइंटर बोल दिया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए देयर इज अ पॉइंटर पी, वेन एवर वी से दैट देयर इज अ पी विच इज अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल हुज नेम इज ए, सो व्हाट इज द सीन। ए कोई वेरिएबल है, मान लेते हैं इसमें 10 कोई वैल्यू है और इसका अपना कोई एड्रेस जरूर होगा। मेमोरी में अगर कोई भी वेरिएबल क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली कोई स्पेस पे क्रिएट हो रहा है और उस स्पेस का अपना कोई एड्रेस होगा। एंड देन हम क्या कह रहे हैं कि पी भी एक ऐसा वेरिएबल है, वो भी मेमोरी में कहीं स्पेस में क्रिएट हो रहा है और डेफिनेटली उसका भी एक एड्रेस होगा। अभी फिलहाल इस पॉइंटर का अपना कोई एड्रेस है, हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली पी भी एक वेरिएबल है। ऑल दो ये इस एड्रेस को स्टोर कर रहा है, 5001 को स्टोर कर रहा है। अगर पी में कोई देखेगा तो क्या पड़ा हुआ है, 5001, लेकिन अगर ए में कोई देखेगा तो क्या पड़ा हुआ है, 10। तो ए की वैल्यू क्या हुई, 10, और पी में क्या पड़ा हुआ है, 5001, विच इज़ द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, बट पी का भी अपना कोई एड्रेस होगा। बस ये फेनोमिना प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा जाता है, हम इसको सिंपली बोलते हैं पी में असाइन कर दो एड्रेस ऑफ ए। जैसे ही हम लोग ये लाइन लिखते हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या हो जाता है, इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये कोई वेरिएबल है, उसमें 10 एक वैल्यू है, एंड नाउ यू हैव क्रिएटेड वन लिंक फॉर दैट वेरिएबल ए। ओके, और इसका नाम क्या है, पी। जब भी आप पी बोलोगे तो वो बताएगा आपको एड्रेस ऑफ ए, जो इस वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, 5001। और जब भी इसके आगे आप पॉइंटर लगा दोगे तो ये बन जाएगा पॉइंटर पी, और ये हमेशा क्या बताएगा, वैल्यू को बताएगा। किसकी वैल्यू को बताएगा, जिसको पी पॉइंट कर रहा था। अगर इसको हिसाब से देख के जाएंगे तो पी किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है, तो ए की वैल्यू बताएगा 10। वेरी सिंपल कंसेप्ट रिगार्डिंग द पॉइंट। ओके, सो अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एंड इन दिस वे इट ऑलवेज बिकम रेफरेंस और लिंक टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, सो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। नाउ दूसरा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर। सो दूसरी जो बात हम लोग करेंगे वो है एप्लीकेशंस। दो एप्लीकेशंस हमें डिस्कस करने हैं। पहला एप्लीकेशन कि फंक्शन में क्या एप्लीकेशन है पॉइंटर का, सेकंड एरे में क्या एप्लीकेशन है। फंक्शन में क्या एप्लीकेशन है हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं फंक्शन वाले चैप्टर में, और बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है टू इम्प्लीमेंट कॉल बाय रेफरेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉइंटर यूज करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि फंक्शन में एरे के या पॉइंटर के एप्लीकेशन को समझाओ, तो यू सिंपली कॉल बाय रेफरेंस का एक प्रोग्राम बनाओ और समझाओ। अब हम आज सीखेंगे कि एरे में आपके पॉइंटर का क्या एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि पॉइंटर किसी भी चीज़ को पकड़ने का इनडायरेक्ट वे है। अगर मैं बोलूँ ए है और ए की वैल्यू प्रिंट करूँ, तो हम ए का यूज़ करके भी प्रिंट कर रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। बाकी हमने इसका एड्रेस कहीं पर रखा तो एक लिंक बन गया पी, तो इनडायरेक्ट तरीका भी कॉल करने का वैल्यू को क्या हो जाएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट तरीका हो जाएगा। ओके, बस ये सीधा सा कंसेप्ट रखने के बाद, याद रखने के बाद में हम सीधे सीधे समझ जाएंगे कि एरे में किस तरीके से पॉइंटर का रोल क्या है। तो बहुत सिंपल सा एक एरे बना लेते हैं,
इस चीज़ इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि मान लो हमारे पास एक एरे और उसमें पांच इंटीजर्स हैं, तो ये हो गए पांच प्लेसेस। इसका नाम मान लेते हैं हम लोग ARR। सभी को पता है कि एरे के ये पांच पोजीशंस हैं कंटिजुअस होंगे, उसके बाद यहाँ से पोजीशन स्टार्ट हो रही है तो हर पोजीशन को एक इंडेक्स मिलेगा, तो ये इंडेक्स 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो ये हो गए इंडेक्सेस। मान लेते हैं इसमें इसमें 8 रखा हुआ है, इसमें 7 रखा हुआ है, इसमें मान लो 1 है, इसमें 2 है, एन इसमें 10 है, ये हमारे एलिमेंट है। तो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर एलिमेंट्स, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और ये सारा चीज़ क्या है, ये हमारे इंडेक्स हैं। अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखेंगे कि एरे के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको बेस एड्रेस कहते हैं, और बेस एड्रेस जो खुद होता है वो एरे का नाम ही होता है। तो एरे का नाम अपने आप में क्या है, एक बेस एड्रेस है। तो अब हमें एक सीधा सा मतलब रखना है कि क्या हमारे को एड्रेसेस पता है इन एलिमेंट्स के। हाँ जी बिल्कुल पता है। अगर एरे का नाम ARR है तो पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या है, ARR है। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट का क्या होगा, क्योंकि ये सारे कंटिजुअस हैं तो सक्सेसिव में चल सकते हैं, तो दूसरे का एड्रेस क्या होगा, ARR+1। इसके बाद तीसरे एलिमेंट का क्या होगा, ARR+2। इसका क्या होगा, ARR+3। और इसका क्या होगा, ARR+4। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो 1, 2, 3, 4 है ये कुछ नहीं है, ये द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के क्या है, इंडेक्सेस हैं। तो अगर मुझे बेस एड्रेस पता हो और मुझे एलिमेंट का इंडेक्स ध्यान में हो तो मैं किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बता सकता हूँ एरे में। अगर ये सिंपल सा कंसेप्ट याद है, और अगर कोई कोई पूछे कभी कि आपके पास एक एरे है और उसमें 50 नंबर हैं, मुझे 45th जो नंबर है उसका पॉइंटर की हेल्प से एड्रेस बताइए, तो अगर एरे का नाम ARR है तो मैं बोलूँगा ठीक है ARR 45th, मतलब 45th-1 इंडेक्स बनेगा 44, तो मैं बोलूँगा ARR+44 वाले एड्रेस पे चले जाओ, आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, क्या है, अगर मुझे बेस एड्रेस पता है और मुझे सीधा सा कंसेप्ट पहले से पता है कि एरे के अंदर जो एरे का नाम होता है वही बेस एड्रेस होता है, तो इस कंडीशन में, इस वाले एग्जांपल में ARR ही बेस एड्रेस है। एड्रेस कुछ भी हो, अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि कोई भी एड्रेस हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। मान लो ये एड्रेस 5001 है, इसके बाद वाला एड्रेस क्या होगा उस पर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम 5001 को मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा पहला एलिमेंट स्टोर हो रहा है, तो हम सीधे सीधा ये बोलेंगे कि ARR का मतलब क्या है, 5001। तो ARR इज नथिंग बट इट इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ द एरे, एंड द नेम ऑफ द एरे इज नथिंग बट टेक्निकली इट इज बेस एड्रेस। ये बेस एड्रेस है, ARR का मतलब 5001 है, जो कि एक एड्रेस है। और अगर एड्रेस पता है तो इसके बाद वाला एड्रेस हम निकाल सकते हैं, डेफिनेटली वो सक्सेसिव एड्रेस होगा, +1 करके मिल जाएगा, देन +2, +3, +4। अब आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एड्रेस एरे में चाहिए और पॉइंटर की हेल्प लेनी है, बेस एड्रेस मुझे पता हो, तो बेस एड्रेस में प्लस वो पर्टिकुलर इंडेक्स उस एलिमेंट का अगर ऐड कर दोगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। नाउ अब पॉइंटर क्या कहता है, कि पॉइंटर ये कहता है कि भैया ठीक है एरे है आपके पास, इस एरे के अंदर में से एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो, फॉर एग्जांपल आपको थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स है 2, तो आप बोलोगे कि ठीक है ARR लिखो और यहाँ पे इसका इंडेक्स पास कर दो, तो ऐसे एक्सेस करोगे। पॉइंटर क्या कहता है, मेरे पास और अच्छा तरीका है एलिमेंट को एक्सेस करने का। ओके, सो पॉइंटर ये बोलता है कि मेरे पास एलिमेंट को एक्सेस करने का अपना इनडायरेक्ट तरीका भी हो सकता है, ठीक है ARR एरे नोटेशन से तो आप कर रहे हो, लेकिन मेरे पास भी एक तरीका है एलिमेंट को एक्सेस करने का। कैसे, वो कहता है कि एरे का नाम बेस एड्रेस है, अगर ये एड्रेस है तो मैं भी एलिमेंट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ARR एड्रेस मुझे पता है, किसी भी एड्रेस के आगे अगर मैं ये पॉइंटर का निशान लगा दूँ, ये एस्टेरिस्क निकाल दूँ, तो ये बताएगा वैल्यू एट दिस एड्रेस, यानी कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है। ऐसी इस दूसरे एड्रेस पे क्या पड़ा है, इसके लिए मुझे ARR+1 ये एड्रेस है, इसको ब्रैकेट में रखूँगा, यहाँ पॉइंटर लगा दूँगा तो मुझे एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसी ARR+3 ब्रैकेट में रखो, पॉइंटर लगा दो, यहाँ पे ARR+3
सॉरी ये दिस शुड बी टू और ये थ्री है, इसमें आप प्लस थ्री कर करके पॉइंटर लगा दो और यहाँ पे ए आर आर प्लस फोर लगा कर करके पॉइंटर लगा दो। अब ये जो है ये आपको निकाल के देगा एट, इसका मतलब हो जाएगा सात, इसका मतलब हो जाएगा वन, इसका मतलब हो जाएगा टू, इसका मतलब हो जाएगा टेन। तो सिंपल वे, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंटर इन द एरे। वो ये सिंपल सा कहता है कि ठीक है, यू हैव एन एरे एंड यू नो हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द एरे यूजिंग द एरे नोटेशन, यू जस्ट नो द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, पास दैट इंडेक्स इन टू द सबस्क्रिप्ट आफ्टर द नेम ऑफ द एरे, देन यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। बट आई हैव अ इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एज वेल, एंड दैट इज वॉट पॉइंटर, एंड पॉइंटर यूजिंग द बेस एड्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, बेस एड्रेस उसको पता है, उस एलिमेंट का इंडेक्स उसे पता है, वो बेस एड्रेस में इंडेक्स को जोड़ेगा और एड्रेस पे पहुंचेगा और उस एड्रेस पे पहुंच करके स्टार लगा देगा और उस वैल्यू को निकाल लेगा। दैट्स द सिंपल वे। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अगर मुझे पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट एरे पॉइंटर का हेल्प यूज़ कर करके प्रिंट करना है, तो मैं सिंपल सा स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा, प्रिंट एफ लिखूंगा, परसेंट डी लिखूंगा क्योंकि नंबर है, और मुझे पहला एलिमेंट प्रिंट करना है, मुझे पता है पहला एलिमेंट कहाँ होगा, बेस एड्रेस पे, बेस एड्रेस लिखो और स्टार लगा दो तो पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये वाली लाइन क्या प्रिंट करेगी, एट प्रिंट करेगी। मान लो मुझे दूसरा एलिमेंट भी प्रिंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, परसेंट डी का यहाँ पे दूसरे का एड्रेस क्या होगा, ए आर आर प्लस वन, इसको ब्रैकेट में रखा, स्टार लगा दिया, तो ये सिंपली क्या प्रिंट कर रहा होगा, सेवन को प्रिंट करेगा। मान लो मैं कह देता हूँ कि नहीं, जो तीसरा एलिमेंट है वो एरे नोटेशन से प्रिंट करना है, तो यूजिंग एरे नोटेशन वो सभी जानते हैं, परसेंट डी लिखेंगे और एरे नोटेशन का मतलब क्या होगा, ए आर आर, इंडेक्स क्या है, टू, सिंपली ये भी स्टेटमेंट आपका प्रिंट कर रहा होगा और ये प्रिंट क्या करेगा, वन। तो आप जान रहे हैं कि ये दोनों एलिमेंट प्रिंट हुए यूजिंग द पॉइंटर और ये एलिमेंट प्रिंट हुआ अपने डायरेक्ट तरीके से। ये कौन सा तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका, ये कौन सा तरीका, ये इनडायरेक्ट तरीका है। ओके, सो दिस इज द सिंपल थिंग दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग एज एन एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंटर टू द एरे। अब यही छोटा सा प्रोग्राम को हम लोग करके देखेंगे, और इसको करने से पहले एक थोड़ा सा एक और आइडिया समझ लेते हैं, वो है हमारा है एड्रेस अरिथमेटिक, एड्रेस अरिथमेटिक, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। सो दिस इज एड्रेस अरिथमेटिक एंड द सेकेंड वन इज वैल्यू अरिथमेटिक, वैल्यू अरिथमेटिक। एंड प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर वी डील विद द पॉइंटर्स वी हैव टू थिंग्स, कभी हमारे पास एड्रेस होगा और कभी हमारे पास में वैल्यू होगी। अब ये कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो एक छोटा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं। मान लो हमारे पास इंटीजर ए है, उसमें 10 है, और एक बी है, इसमें 20 है। उसके बाद हम इनके लिए एक पॉइंटर बना लेते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं पी और एक बना लेते हैं पॉइंटर क्यू। आपको पता होना चाहिए किसी भी वेरिएबल के आगे पॉइंटर लग जाए, स्टार लग जाए, तो यानी कि वो पॉइंटर है। अगर ये पॉइंटर है तो डेफिनेटली एड्रेस स्टोर करेगा। मान लो पी एड्रेस कर रहा है ए का स्टोर और क्यू एड्रेस स्टोर कर रहा है बी का। तो अब हम देखेंगे कि पी में क्या है एड्रेस, क्यू में क्या है एड्रेस। अगर पी प्लस क्यू करने वाले हैं तो ये हो जाएगा एड्रेस अरिथमेटिक, यानी कि एड्रेस को प्लस और माइनस करना। ओके, ऑन द अदर साइड द सेम प्रोग्राम स्नैपशॉट आई एम गोइंग टू यूज। सो हमारे पास अगेन वही है, ए में 10, बी में 20, और हमारे पास इंटीजर है दो, अगेन पॉइंटर पी है और पॉइंटर क्यू है। पी में एड्रेस स्टोर है ए का और क्यू में एड्रेस स्टोर है बी का। अब मैं यहाँ पे भी कुछ अरिथमेटिक करने वाला हूँ और यहाँ पे भी कुछ अरिथमेटिक करने वाला हूँ, जिससे हम ये समझेंगे कि एड्रेस अरिथमेटिक में क्या क्या अलाउड है और वैल्यू अरिथमेटिक में क्या क्या अलाउड है, कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड है। तो एक चीज़ हम ऐसा नोट करेंगे यहाँ पे कि एड्रेस अरिथमेटिक इज अलाउड ओनली विद कॉन्स्टेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
दैट्स इट। अगर ये छोटी सी लाइन हमने लिख दी और याद कर ली, तो इसके बाद और कुछ भी दिखे तो समझ जाना वो सब इलीगल है। जैसे अगर हम एड्रेस के साथ में किसी कांस्टेंट जैसे वन का हम एडिशन कर रहे हैं तो ये अलाउड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एड्रेस था उसमें प्लस वन, यानी कि हम नेक्स्ट एड्रेस पे जाना चाहते हैं। अगर हम एड्रेस में कुछ माइनस कर रहे हैं, कांस्टेंट को माइनस कर रहे हैं, तो ये भी अलाउड होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट ओनली के अलावा कुछ भी करें, चाहे हम पी प्लस क्यू करें, यानी कि एड्रेस के साथ एड्रेस, ये अलाउड नहीं होगा। चाहे हम पी इन टू टू कर दें, ऑल दो यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन फिर भी ये अलाउड नहीं होगा। तो ये ऑपरेशन सारे के सारे अलाउड है, यानी कि इन दोनों ऑपरेशन के अलावा एक्सेप्ट दीज टू ऑपरेशन ऑल दी अदर ऑपरेशन आर इलीगल। सो दिस इज वट एड्रेस अरिथमेटिक। लेकिन पॉइंटर है तो वैल्यू भी है। जब भी हम पॉइंटर पी लिखेंगे, पॉइंटर क्यू लिखेंगे, तो ये तो वैल्यू को बताएंगे, और जब हम पी और क्यू बोलेंगे तो वो एड्रेस को बताएगा। पी और क्यू का यूज़ करने लग जाएंगे तो वो हो जाएगा एड्रेस, और एड्रेस के साथ में सिर्फ आप ये काम कर सकते हो। लेकिन जब वैल्यू के साथ में आप सारे काम कर सकते हो, तो ऑल एरिथमेटिक अलाउ। तो वैल्यू में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पॉइंटर पी प्लस पॉइंटर क्यू करो, ये भी अलाउड है। आप पॉइंटर पी प्लस टू करो, ये भी अलाउड है। आप पॉइंटर पी इंटू टू करो, ये भी अलाउड है। क्योंकि ये पॉइंटर पी क्या है, वैल्यू वैल्यू ऑफ ए, और ये पॉइंटर क्यू क्या है, वैल्यू वैल्यू ऑफ बी। तो 10 प्लस टू ही कर रहे हो आप, ये आपका अलाउड भी है और ये आपका प्रिंट भी हो जाएगा। सो दिस इज वॉट थर्ड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दी पॉइंटर। Let's move to this implementation environment and verify all these concepts. Okay, तो पहला प्रोग्राम बनाते हैं, Alt F, new. This is the new window that was already a new window. तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी विंडो खुला हुआ है, मैं इसको सेव करूँगा। PTR1.c ये मेरा पहला प्रोग्राम होगा। पहली लाइन सभी को पता है, हम क्या लिखते हैं, include stdio.h। सेकेंड लाइन क्या लिखते हैं, इंक्लूड ओनियो डॉट एच, देन योर मेन फंक्शन, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, एंड टू मार्कर आई एम गोइंग टू यूज CLR SCR एंड योर गेट CH। ओके, बिफोर द CLR SCR आई यूज द वेरिएबल, लाइक आई एल डिक्लेयर द वेरिएबल, लेट्स से इंट ए कंटेनिंग 10 एंड बी इज कंटेनिंग योर 20. Okay, let's see what is the application with the array. Okay, so I am going to create an array ARR, and this is of size 5. I am going to put all these numbers, let's say 8, 7, 3, 1, 2. All these 5 numbers I am going to put directly. Then this is my array. Now I want to see, I want to print the first element. So printf slash n first element. So this is percent d, obviously this is a number, so this is pointer percent d. So first element I am going to print using the array notation or pointer. So I know that the base address is ARR, and I'll place a pointer in front of it, so this will become value at this particular address, and now I'm going to print the first element. Okay, second element I want to print again, so slash n second element percent d, then what is the second address, ARR plus 1, so I'll put it in the bracket, and after that I'll put asterisk in front of it, so ye ban gaya pointer for this address. Okay, so second address I'm going to print with the pointer notation indirect way, but the third element I want to print using the array notation, I mean directly. So third element is percent d, and the third element is ARR, and the index of it, that is 2. Okay, so these are the simple statements I have written. I just simply alt f save, alt r run. So here you see in the output you have successfully accessed the first element, second element using the pointer, and the third element using the array notation. So that you see that you are getting the things. Okay, now one important thing that I want to show here is,
Can we print the address as well? Yes, we can print. And let me see what are the different addresses. Okay, so I know that the name of the array itself is an address. What is that address? Let's print it. Printf, and please remember, the address is always unsigned number. Whatever number we are dealing with, these are actually the signed number. But array is address is an always unsigned number. Okay, so for the unsigned number, if we want to print them perfectly, and especially in the case of pointer, and we want to print the address, so we are going to use this %u. Okay, I never discussed this %u before, because earlier we were dealing with the simple numbers. और हम कभी भी नंबर के साथ डील करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि भैया पॉजिटिव नंबर भी होगा, नेगेटिव नंबर भी होगा. तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कैसा भी ले सकते हैं, तो हम हमेशा सेफ वे में लेके चलते हैं %d. तो प्लीज़ रिमेंबर, %d वहाँ पे लिखते हैं जब हमें पता होता है कि नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सिंपल नंबर के साथ में प्रिंटिंग करनी हो %d, लेकिन एड्रेस हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते. तो एड्रेस अगर पॉजिटिव नंबर है तो व्हाट वी विल डू, सो वी विल यूज %u टू प्रिंट देम. तो अब हम एड्रेस पॉइंटर में जब भी पढ़ेंगे और एड्रेस को प्रिंट करने की बात करेंगे तो हम %u लिखेंगे. तो मान लेते हैं मुझे पहला एड्रेस प्रिंट करके देखना है, मुझे पता है एरे का पहला एड्रेस कहाँ है, ARR में. तो ARR लिखेंगे और प्रिंट करके देखेंगे क्या वैल्यू आती है. तो इस सिंपल से प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो आई विल सी व्हाट इज दिस एड्रेस 65516. तो मैंने अभी वैल्यू प्रिंट नहीं की, मैंने प्रिंट करी एड्रेस. तो पहला एड्रेस मेरे को मिला 65516. लेट्स सी कि सेकेंड एड्रेस क्या होता है. सेकेंड एड्रेस जो होगा उसको प्रिंट करने के लिए मुझे फिर से वही प्रिंट अप स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर से क्या लिखना पड़ेगा %u. और अब सेकेंड एड्रेस मुझे पता है कैसे मिलेगा, ARR अगर पहला एड्रेस है तो +1 करके सेकेंड एड्रेस मुझे मिल जाएगा. अब थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सो दैट वो जो दूसरा एड्रेस है थोड़ा स्पेस लेकर के आए. तो सेव कर लेते हैं, रन कर लेते हैं. तो अब आप देखेंगे, सॉरी हेयर यू आर गेटिंग सम एरर, आई मेड अ मिस्टेक, सो दैट शुड बी प्रिंट एफ, दिस शुड बी प्रिंट एफ. ओके, ऑल्ट एफ सेव, ऑल्ट आर रन. सो यू सी दैट द सेकेंड एड्रेस इज 65516 65518. वाई इट इज 65517, why it is not 65517, what is the reason behind it. अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात आ जाती है. अब यहाँ पे थोड़ा सोचने का तरीका बनता है, वो सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी हमारे एड्रेसेस चलते हैं, मान लेते हैं ये वाला एड्रेस है और ये क्या है, इंटीजर है. किसी भी कंप्यूटर में इंटीजर कभी 2 byte ले लेता, कभी 4 byte ले लेता, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर. पर अभी हमारे इस टर्बो C++ कंपाइलर में 2 byte ले रहा. जो भी एड्रेसेस होते हैं वो एक एक बाइट को दिए जाते हैं. तो पहली बाइट को तो एड्रेस मिल गया 5001, फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में 65516. दूसरी बाइट को मिलेगा 65517, लेकिन इंटीजर 2 byte ले रहा है. तो पहले 2 byte की स्पेस में पूरा का पूरा इंटीजर 8 बैठ जाएगा. अब पूरा का पूरा इंटीजर 8 बैठ जाएगा पहले 2 byte के स्पेस में, तो 7 के लिए जब स्पेस मिलेगी तो वो कहाँ पर मिलेगी, 65518 पे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये चलता रहेगा बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए. तो अब आपको एक छोटा सा आइडिया समझना है कि किसी भी एरे में जो भी पहला एलिमेंट का एड्रेस होगा उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस बनेगा वो एक्चुअली में उस एलिमेंट का जो भी बाइट साइज होता है उसे जोड़ कर करके बन जाता है. तो इससे आप पता लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी ये इंटीजर का एरे है और आपको 2 byte से ये सारे एड्रेसेस दिख रहे हैं. और इसके बाद एक और एड्रेस प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट एफ स्पेस %u एंड देन ARR +2. ओके, सो अब आप 3 एड्रेस प्रिंट करके देख पा रहे हो, ये 3 एड्रेसेस हैं. नाउ मैं थोड़ी देर के लिए इस इंट को हटा के मैं बोल देता हूँ फ्लोट. फ्लोट कितना होता है, या सबसे सिंपल है लॉन्ग. अब आपको पता है लॉन्ग 4 byte लेता है,
और लॉन्ग में भी ये नंबर आराम से रखे जा सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं क्या क्या एड्रेसेस प्रिंट होंगे, तो अब आप देख रहे हैं, तो 6506 बना पहला, फिर दूसरा बना 6550। क्यों? क्योंकि लॉन्ग ले लेता है 4 बाइट। पहला एड्रेस अगर है 6506, तो अगला एलिमेंट को कौन सा एड्रेस मिलेगा? +4, क्योंकि लॉन्ग को 4 बाइट लिखते हैं, तो इस पहले वाले एड्रेस में +4 कर दोगे तो आपको मिलेगा नया वाला एड्रेस 6510। पर 789 में क्या हुआ? तो 4 बाइट में, जो 4 बाइट की स्पेस होगी, वहां पे केवल एक नंबर बैठा हुआ है, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट विच इज 8 इन दिस एग्जाम्पल। तो वो पहले 4 बाइट की स्पेस किसने ले ली? हमारे पहले वाले इंटीजर 8 ने ले ली। उसके बाद दूसरा इंटीजर को बैठना है, किसको बैठना है? 7 को बैठना है, तो वो अगले 4 बाइट लेगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हमारे पास सीधा सा कंसेप्ट होता है एड्रेसेस के बारे में। ओके, बट दिस टाइम यू नो दैट वी आर यूजिंग द पॉइंटर्स टू प्रिंट द वैल्यूज, टू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द एरे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला वाला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हम देखते हैं कि हमारा एड्रेस अरिथमेटिक क्या है और वैल्यू अरिथमेटिक क्या है, क्या जो बातें हमने बोली वो सही हैं या नहीं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे, इसका नाम, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रखूँगा ऑल्ट एफ सेव, इसका नाम मैं रख देता हूँ PTR2.C। पहली लाइन सभी को पता है, इंक्लूड stdio.h। सेकेंड लाइन योर इंक्लूड onio.h, देन योर मेन फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस एंड, देन CLRSCR, देन गेट CH। ओके, आई एम गेटिंग वन वैल्यू इंट ए, लेट्स से 10 इज इन दिस वेरिएबल, देन बी 20 यहाँ पे है। एक पॉइंटर बना लेते हैं, इंट पॉइंटर पी बना लेता हूँ, इंट पॉइंटर क्यू बना लेता हूँ। देन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंटर है तो पी में किसी ना किसी का एड्रेस होना चाहिए, तो भैया ए का एड्रेस है। क्यू में भी किसी का एड्रेस होना चाहिए, तो भैया एड्रेस ऑफ बी है। अब हम क्या चेक करना चाहते हैं, क्या मैं पी प्लस क्यू कर सकता हूँ? वेरीफाई करने के लिए क्या करूँगा, मैं इन सबको एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट में रख के प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट एफ अंदर गए, मुझे पता पी प्लस क्यू जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली कोई नंबर बनेगा, क्योंकि ये एड्रेस है, क्योंकि ये एड्रेस है, तो एड्रेस को प्रिंट करने के लिए क्या होता है, परसेंट यू। अब पी प्लस क्यू करना चाहता हूँ और मैंने बंद कर दिया। अब मुझे लगा सब कुछ प्रोग्राम ठीक है, मैंने सेव किया, मैंने रन किया, तो आई एम गेटिंग वन एरर। वो क्या है? इलीगल पॉइंटर एडिशन। भैया ऐसे पॉइंटर एडिशन नहीं कर सकते आप, तो यानी कि ये इलीगल हो गया। अच्छा, माइनस कर लेता हूँ फिर, ऑल्ट एफ सेव, ऑल्ट आर रन, माइनस हो गया, लेकिन आपको वैल्यू गलत दिख रही, तो ये भी इलीगल हो गया। उसके बाद अच्छा चलो मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ऑल्ट एफ सेव, ऑल्ट आर रन, तो पता चला ये भी इलीगल है। अच्छा चलो डिवाइड करके देख लेता हूँ, ऑल्ट एफ सेव, ऑल्ट आर रन, ये भी इलीगल है। क्या अलाउड है? एड्रेस का एड्रेस के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तीनों, ये चारों ऑपरेशन अलाउड नहीं है। तो क्या किसी भी एड्रेस के साथ में प्लस वन किया जा सकता है? हाँ जी किया जा सकता है, ऑल्ट एफ। तो ये क्या कर रहा है? ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला एड्रेस को प्रिंट कर रहा है। अच्छा, जो भी करंट एड्रेस था उसमें उसके बाद वाला एड्रेस को प्रिंट कर रहा है। अच्छा, क्या माइनस अलाउड है? हाँ जी अलाउड है, दो प्लेस पीछे भी जा सकते हो आप, दो प्लेस पीछे भी चले गए। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि केवल प्लस और माइनस अलाउड है, वो भी किसका? कॉन्स्टेंट का। किसके साथ में? एड्रेस के साथ में। ओनली दीज टू ऑपरेशन आर अलाउड। अच्छा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? देख लेते हैं चेक, ऑल्ट आर रन, देखो मल्टीप्लाई भी अलाउड नहीं, इलीगल यूज अ पॉइंटर। ओके, सो ओनली प्लस एंड माइनस आर अलाउड। अच्छा, एक और चीज़ आ गई कि ठीक है, किसी भी तरीके से प्लस माइनस अलाउड है हमारे एड्रेस के साथ में, तो दिस इज एड्रेस अरिथमेटिक। ओके, सो एड्रेस अरिथमेटिक तो हमको पूरा समझ में आ गया कि एड्रेस अरिथमेटिक के लिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट लिख देता हूँ, एड्रेस अरिथमेटिक, इसको थोड़ा सा लाइन को कमेंट करके अब हम दूसरी चीज को समझ लेते हैं, वैल्यू अरिथमेटिक। वैल्यू अरिथमेटिक, वैल्यू अरिथमेटिक सिंपली ये कहती है कि जब भी आप लिखोगे पॉइंटर, तो इसका मतलब सीधा सीधा वैल्यू समझा जाएगा। अच्छा, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते, तो आप यहाँ पे परसेंट यूज करने लगोगे। जैसे मैं करना चाहता हूँ पॉइंटर पी प्लस पॉइंटर क्यू,
तो पॉइंटर पी भी वैल्यू है, किसकी, वैल्यू ऑफ ए, पॉइंटर क्यू भी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ बी, तो दोनों वैल्यू आराम से जोड़ेंगे और प्रिंट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑपरेशन है वैलिड है क्योंकि वैल्यू के साथ में हो रहा, तो हेयर यू आर गेटिंग द वैल्यू 30। ओके अच्छा अच्छा आपको लगा ठीक है दो वैल्यू का तो आप कर पा रहे हो, क्या इसका डिवीजन भी हो सकता है? हाँ जी, लेकिन ऐसे करने से देख रहे हैं आप, ये कमेंट वाला बनाने का सिस्टम होता है, तो ये कमेंट बना रहा बाकी सारी चीज़ों को, तो इसको ठीक करने के लिए इसके आगे एक और डिवाइड का साइन लगा दो। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, सेव करेंगे रन करेंगे तो दोनों चीज़ें डिवाइड, सॉरी फंक्शन मिसिंग, फंक्शन मिसिंग, ओके इन इन सच केस यू प्लीज़ पुट द थिंग्स इन टू द ब्रैकेट, जहाँ पे भी आपको कुछ गड़बड़ लगने लग जाए तो आप वो पूरे पॉइंटर के साथ की चीज़ को ब्रैकेट के अंदर में रख सकते हैं। तो आपका पूरा प्रॉपर डिवीजन हो रहा है, जीरो आ रहा है। ओके तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू अरिथमेटिक में सब कुछ अलाउड है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, सब कुछ अलाउड है, लेकिन एड्रेस अरिथमेटिक में ओनली टू ऑपरेशन आर अलाउड। वो क्या है, एक है प्लस माइनस, वो भी किसका, कॉन्स्टेंट का, किसके साथ में, एड्रेस के साथ में, उसके अलावा कोई अलाउड नहीं है। वैल्यू अरिथमेटिक में सब कुछ अलाउड है, ये हमारा है दूसरा सिंटेक्स। ओके तो इस तरीके से इन दो डेमोन्स्ट्रेशन से आई होप यू आर गेटिंग द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंटर, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस ऑल दीज प्रोग्राम्स टू गेट अंडरस्टैंड अबाउट द पॉइंटर, एंड इफ 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 दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट देन वी कैन हैव अ अगेन डिस्कशन ऑन इट, but I think this will be very fine for you, and if you please go through these videos so you will be getting each and everything. Okay, so these are the pointer, definition of the pointer, meaning of the pointer, and applications of the pointer in the case of array. Okay, and what is that simple application? Yes, pointer is saying that I can access the element from the array as well. Okay, although there is a direct way of accessing the element from the array, but I have my way, that is the indirect way of accessing the same element. How and what is the concept for it? And the simple concept is, for every array, the name of the array is actually the base address of that array. Okay, and with that base address, if we are adding the index of any element, then we are getting the actual address of that particular element. And by using the pointer to that address, I can get the element which is available at that particular address. Okay, so that's the simple application of the array, pointer in the array. Okay, and at the same time, you please remember what whenever we deal with the pointer, so there are two type of arithmetic will possible. In the one arithmetic, you are dealing with the addresses only, so that will be address arithmetic. In the other arithmetic, you are dealing with the value. So wherever you are writing pointer p, so that will be value arithmetic, and wherever you are writing simply p, that will be address arithmetic. Address arithmetic allowed only in the case of address arithmetic, only the two operations plus minus with the constant allowed, and no other operation is allowed, while in the value arithmetic, value is value, so every operation is allowed. Okay, so thank you guys, thank you for listening me patiently. We will meet with another lecture in the next session. Till then, bye bye, take care. And thank you so much.